लगता है पहले कभी आगे आके छोड़ा है बॉल इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक सेकेंड वीक और हार्डी एब्सोल्यूट फिर से अंदर गेंद आती हुई और अपील और ये रन आउट हो सकते हैं LBW उससे पहले ही हो गए क्या कमाल की गेंद थी ये और अगर कोई शक की वहां पर गुंजाइश होती तो तुरंत रन आउट भी कर दिया लेकिन क्या शुरुआत है ये पंजाब द शेर की ओर से पंजाब द शेर दहाड़ रहे हैं और अब यहां निखिल को भी जाना होगा तेलुगु वॉरियर्स अपने घर में मुश्किल में लग रहे हैं बिल्कुल और हैव दे आई थिंक बैट्समैन वॉक कर रहे हैं एंड निखिल गॉन फॉर वन Let's have a look. Here we go. Ooh, foolish gain. Lag rahi thi. Out aur out de diya. Aur ye gaye Nikhil for one, 5 for 2. अश्विन ने रन्स बहुत मारे थे ना लास्ट टाइम मुश्किल में यहां तेलुगु वॉरियर्स अश्विन बाबू आए हैं अब पिछले मैच में अच्छी पारी उन्होंने खेली थी और आज भी वैसा ही कुछ करना होगा 93 रन आ चुके हैं इनके बल्ले से पिछले मैच में आज भी उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक रन लेकर अपना खाता खोला यहां 2 ओवर समाप्त 6 पर 2 तेलुगु वॉरियर्स तेलुगु वॉरियर्स ने शायद ही सोचा होगा कि इस प्रकार के संकट में वो आ जाएंगे इस इनिंग की शुरुआत में जब पिछले इनिंग को उन्होंने अंत किया था 72 रन पर छोड़ा था पंजाब द शेर को वहां से उन अपने आप को जरूर बैक कर रहे थे लेकिन जो शुरुआत हुई है यहां पंजाब द शेर के बॉलर्स की ओर से बिल्कुल अब प्रेशर का आदान प्रदान हो चुका है पूरा प्रेशर अब तेलुगु वॉरियर्स स्ट्राइक पर आए हैं नंद किशोर जो कि अभी तक उन्होंने अपना खाता नहीं खोला अश्विन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की 27 रन बनाए हैं और अश्विन के ऊपर पूरा भरोसा है तेलुगु वॉरियर्स को आगे आके ड्राइव करना चाहते थे मगर बीट हुए वहाँ पर अच्छी वापसी वहाँ पर गेंदबाज की और ये डॉट बॉल 11 रन आए इस ओवर में और जब ओवर की शुरुआत हुई थी तो स्कोर था 32 रन और अब 11 रन आकर स्कोर हो गया 43 रन 6 विकेट नुकसान पर देखिए 7 गेंदे हैं और 29 रन का फासला है अगर बड़ा ओवर आ जाए तो रिकवर हो जाएंगे और बहुत मजा आएगा क्योंकि कंडीशंस जिस तरह से हैं ओह क्या बात है स्विंग और यॉर्कर क्या बात है निंजा का कमाल कर दिया 7वां विकेट गिरा है तेलुगु वॉरियर्स का पर क्या स्विंग हो रही है ये कंडीशंस जो है ये तो बड़े बड़े प्लेयरों को टेस्ट कर दे और क्या बात है ओहो ये तो एक मुझे याद आते हैं खिलाड़ी थे जो न्यूजीलैंड से खेलते थे क्रिस हैरिस ऐसी बॉलिंग करते थे चलिए नंद किशोर ने कोई तंग नहीं किया स्कोरर्स को और अब स्कोर है 43 पे 7